ये है Samsung Galaxy S23 Ultra एंड ये है Realme 11 Pro Plus. 27,999 रुपीस वर्सेस 1,34,999 रुपीस. दोनों के दोस्तों हम यहाँ पे इसमें भी 200 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल जाता है, इसमें भी 200 मेगापिक्सल का कैमरा है. कर रहे हैं दोस्तों कंपैरिजन की 200 मेगापिक्सल रुके 200 मेगापिक्सल क्या डिफरेंस है भाई, प्राइस पॉइंट के अंदर फर्क पड़ता है या फिर इसके अंदर फर्क पड़ता है, एक बार टेस्ट करते हैं. एक बार मैं दोनों को एक साथ में फोटो क्लिक कर देता हूँ. ओके आप देख सकते हो यहाँ पे भी 200 कर दिया और यहाँ पे भी 200 मैंने कर दिया. एक फोटो क्लिक कर दे रहा हूँ. ओके यहाँ पे काफ़ी स्पीड से फोटो क्लिक हुआ, यहाँ पे थोड़ी टाइम लिया. एक और पिक्चर में यहाँ पे क्लिक करना चाहूँगा. 3, 2, 1 आप देख सकते हो डिटेल्स के अंदर जाते ही आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा कि आप यहाँ पे पढ़ लो भाई, कैमरा मॉडल यहाँ पे लिखा हुआ है Realme 11 Pro Plus 5G. ओके एंड एमबी इमेज साइज की बात करें तो यहाँ पे 45.4 MB का फोटो यहाँ पे Realme 11 Pro Plus के फोटो यहाँ पे क्लिक किया गया है एंड Samsung S23 Ultra की आपको इमेज दिखाऊँ यहाँ पे. ओके तो आप देख सकते हो कि डिटेल्स के अंदर जैसे हम चले जाते हैं आपको यहाँ पे ये वाली इमेज दोस्तों, आप यहाँ पे मॉडल नेम पढ़ सकते हो. ओके S23 Ultra एंड इमेज साइज की बात करें तो 19.5 MB की यहाँ पे Samsung S23 Ultra ने यहाँ पे फोटो को क्लिक किया है. ओके लेट्स डायरेक्ट डिफरेंस देखते हैं दोस्तों. हम यहाँ पे ये वाली Samsung S23 Ultra की इमेज है, ये 11 Pro Plus की इमेज. ओके सबसे फर्स्ट एक जो डिफरेंस है ये अल्ट्रा की Samsung के इमेज के अंदर आप यहाँ पे बादल का जो कलर है वो देख सकते हो एंड Realme के अंदर आप देख सकते हो यहाँ पे डिटेल्स काफी कम मेरे को देखने को मिले. ओके लेट्स ये वाली इमेज है एंड ये वाली इमेज है, आप दोनों के अंदर देख सकते हो. ओके तो सबसे बड़ा सा डिफरेंस तो एक यहाँ पे ये क्वालिटी का एंड डायनेमिक जो रेंज है उसका यहाँ पे फर्क है एंड HDR का सबसे बड़ा सा फर्क है. ओके Samsung के अंदर HDR काफी सही वर्क कर रहा है बल्कि यहाँ पे सब गायब हो चुका है. ऊपर का आसमान का कलर एंड ये जो कलर है ओवर बूस्ट हो चुका है. इवन ये वाला जो सेंटर में ये जो हाउस दिख रहा है इसका कलर अभी यहाँ पे नजर रखना अपनी. ओके देख रहे हो ना यहाँ पे जो धूप का कलर था पहले उसको Samsung ने काफी मैनेज कर दिया है बल्कि Realme के इमेज के अंदर ओवर बूस्ट हो चुका है, डिटेल वहां पे मिसिंग है. ओके एंड सबसे बड़ा डिफरेंस तो यही से दिख रहा है. लेकिन ओके लेकिन अब जो एक रॉकेट साइंस आप लोगों को दिखा हुआ यहाँ पे जब हम जूम करते हैं Samsung की इमेज के अंदर. ओके चलो अगर हम यहाँ पे जूम कर देते इतना. ओके तो ये वाली इमेज के अंदर आप देख सकते हो यहाँ पे जो पंछी बैठा है ये मेरे को अभी भी कोई क्लियर दिख नहीं रहा है कि ये कौन सा पंछी है. इवन कि Samsung के अंदर हमको पेरिस्कोप लेंस देखने को मिलता है, जूम करने के बाद पेरिस्कोप से ये काफी सही हमको पता चलता है. लेकिन बात है कि जो 200 मेगापिक्सल का जो लेंस है वो क्या काम कर रहा है. ओके तो इसमें इतना उसने करके दिया. अब नाउ Realme की इमेज के अंदर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ओके तो मैं बोलना ये चाहता हूँ ये है Samsung S23 Ultra की इमेज एंड ये है Realme 11 Pro Plus की इमेज. गाइज आप मेरे को एक बात बताइए कि क्या आप बस इतना फर्क देने के लिए आप मैं बोलना चाहूँगा कि Samsung S23 Ultra 1,34,000 एंड ये है इमेज दोस्तों सिर्फ 27,000 रुपीस के फोन की इमेज. ओके कलर टोन का फर्क है. ओके अदरवाइज दोस्तों कैमरा के लिए आप देख सकते हो हाँ Realme के इमेज के अंदर आप एक बात है कि यहाँ पे जो डिटेल है ऊपर की साइड यहाँ पे देखना Samsung के अंदर काफी शार्प कर दिया है, यहाँ पे भाई पिक्सल जो है वो फट जाते हैं हमारे. ओके तो ये एक हल्का सा पॉइंट है. अदरवाइज देखो इतनी दूर से हम ये Samsung की इमेज है एंड ये है Realme की इमेज. ओके कलर टोन का फर्क है, डिटेल का हल्का सा फर्क है. अदरवाइज देखो Samsung की इमेज काफी शार्प है, ये पेड़ पौधे आप देखते रहना एंड यहाँ पर Realme की इमेज के अंदर ये सारा पिक्सल्स दिख जाते हैं हमको. ओके तो ये हल्का सा फर्क है दोस्तों, ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहूंगा. आप लोग अपना जो थॉट है वो नीचे कमेंट के अंदर मेरे को बताइए. ओके मैं तो भाई क्या बोल सकता हूँ, मेरा जो काम था वो मैंने कर दिया. नाउ अब आपकी बारी है दोस्तों. तो ये थी दोस्तों हल्की सी कहानी दोनों स्मार्टफोन की. एक काम करना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है वो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ऐसे ही टेक्नोलॉजी वाले वीडियोस दोस्तों आप लोगों के लिए मैं लाता रहता हूँ. मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय.